तो चलिए गाइस, आज हम ले रहे हैं आपका क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 7, और जिसमें कि हम आज जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आज बिल्कुल सिंपल वे में हम जानेंगे कि आयनिक या जिसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, रियल में क्या है इसकी डेफिनेशन, कैसे हमको पढ़ना, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे हम आपको बताते जाएंगे, और हमने ऑलरेडी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो अंडरलाइन कर दिए हैं, तो आप जो है इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। तो चलो उसकी स्टडी करते हैं बिल्कुल हम। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द कोसेल एंड लुईस ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या बोला है कि हमने जो है कोसेल और लुईस का जो ट्रीटमेंट था, मतलब जो कोसेल और लुईस थे उन्होंने अपना अपना एक थ्योरी बताई थी, उसके बेस पे उसके ट्रीटमेंट पे जो है उन्होंने बताया था हमको आयनिक बॉन्ड वगैरह के बारे में। तो अब ये जो बातें हैं उन्होंने बताई तो थी, लेकिन अब वो किस बात पे फॉलो करती हैं, या हम बोलें कि क्या कंडीशन होती है जिससे कि आपका आयनिक कंपाउंड बनता है, वो आपकी नीचे दी गई है ना। मतलब कोसेल और लुईस ने जो बताया था कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, तो उसकी मतलब कुछ हमें क्या बताई गई हैं, कंडीशंस बताई गई हैं। तो क्या है आपकी सबसे पहली कंडीशन, तो सबसे पहला जो है उसके लिए वो ये है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम। मतलब क्या है इसका कि जितनी आसानी से फॉर्मेशन होगी पॉजिटिव या फिर मतलब जो नेगेटिव आयंस की, उतना ही अच्छा आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो क्या रहेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनने का क्या सेंस है वो भी ज़रा समझ लो। जैसे हमारे पास क्या होता है, सोडियम का एक एटम है, तो हम जानते हैं सोडियम के एटम से क्या होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपना ये देगा तो एन ए पॉजिटिव हमारा ये बना लेगा। अब यहाँ पे ये एन ए पॉजिटिव बनने का मतलब है कि वहाँ पे पॉजिटिव आयन बन गया है, और इस यहीं पे हम लेते क्या आपका सी एल एक क्या होता कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है दे दिया है, और यहाँ पे इसने क्या किया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके सी एल नेगेटिव बना लिया। तो ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी एल अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके सी एल नेगेटिव बना रहा है, तो वहाँ पे नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब इसमें यही है कि जो एलिमेंट जितना अच्छे से क्या बना पाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बनाएगा, उतना ही क्या होगा वहाँ पे एक जो है एक ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, तो वहाँ पे उतना आपका अच्छा क्या बनेगा आयनिक कंपाउंड बनेगा। अगला पॉइंट देखिए जरा, अगला पॉइंट है कि जो अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन्स का एंड लगा है, मतलब आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो अरेंजमेंट है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द सॉलिड में, दैट इज द लैटिस कहलाता है उसका एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड का। अब ये लैटिस वर्ड आपके लिए नया है, उसको समझ लीजिए जरा क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये सारा, इसे हम बोलते हैं लैटिस। तो कोई भी जब हमारा एक आयनिक बॉन्ड बना के कंपाउंड बनता है, तो वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्रिस्टलाइन उसकी फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा बनता है उसे उसकी लैटिस कही जाती है ना। अब ये जो लैटिस होती है, मतलब स्ट्रक्चर जो है ना इसका, इसी को लैटिस बोलते हैं। मतलब कहाँ पे कौन सा एटम अरेंजमेंट होगा, जैसे सी एल यहाँ पे है या एन ए यहाँ पे है, फिर सी एल यहाँ पे है, तो उस तरह से जो अरेंजमेंट है इनकी वो ही इसकी लैटिस कहलाती है। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी क्या लैटिस की फॉर्मेशन। तो ये पूरा हमारा एक लैटिस बनता है, और इस तरीके से बनता है जब हमारा क्या बनता है एन ए सी एल बनता है। जब एन ए सी एल बनता है तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम, और क्या लिखा है। अब लिखा है जो फॉर्मेशन है आपकी किसकी, पॉजिटिव आयंस की, इन्वॉल्व करता है किसको, आयनाइजेशन को। आयनाइजेशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आयनाइजेशन मतलब होता है कि जब भी क्या हो कोई भी हमारा एक एटम इलेक्ट्रॉन लेके या फिर इलेक्ट्रॉन दे, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जब उससे हम निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है उसका कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसी को हम उसकी आयनाइजेशन एन्थैल्पी बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो वही फंडा यहाँ पे है कि जो फॉर्मेशन है पॉजिटिव आयन की वहाँ पे इन्वॉल्व करेगा आयनाइजेशन को, जो कि क्या है रिमूवल है किसका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, जैसे कि सोडियम है आपका ये, तो सोडियम पे अभी आपको कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसे हम न्यूट्रल बोलेंगे है ना।
तो एक किसी न्यूट्रल एटम से जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराते हैं एंड दैट ऑफ नेगेटिव आयंस इन्वॉल्व दी एडिशन, और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे एडिशन कराते हैं ना, मतलब आपका पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें रिमूवल कराएंगे और नेगेटिव बनाने के लिए एडिशन कराएंगे इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम में, तो ये आपका आयनाइजेशन होता है। अब ये तो हुई क्या आपकी आयनाइजेशन, है ना, मतलब इस जो क्रिया है उसे हम आयनाइजेशन बोल रहे हैं, रिमूवल या फिर एडिशन कराने के इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इसमें जो लगने वाली एनर्जी होती है या फिर जिस जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। देखिए बहुत आसानी से इन्होंने लिखा, जैसे कि आपका ये एम कोई भी आपका एलिमेंट है, मेटल है, जो कि अपनी गैसियस फॉर्म में न्यूट्रल है। अब होता क्या है कि जब इससे हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो वहाँ से क्या होता है, इस पे एम पॉजिटिव बन जाता है जो कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को इवॉल्व करता है ना। आगे हम देखेंगे कोई भी आपका एक एलिमेंट है जो कि एक्स है, वो भी अपनी गैसीय स्टेट में जब ये अपना क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो आपका ये एक्स नेगेटिव करके बना लेता है, और इसमें जो इवॉल्व जो एनर्जी होती है या फिर जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। अब आगे चल के मैं आपको सारी बताऊंगा बातें, भाई ये एंथैल्पी इसमें क्यों आ रही है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है, सारी बातों को हम जानेंगे। फिर बाकी ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो उस तरीके से आपकी ये फॉर्मेशन कर लेंगे एम एक्स, जो कि एक सॉलिड होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं जरा हम, अब लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जिसे हम डेल्टा ई जी एच से डिनोट करते हैं, वो जो होती है आपकी वो एंथैल्पी चेंज होती है जो कि आपने यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ। जब आपका एक गैस फेज में एटम जो रहता है इन इट्स ग्राउंड स्टेट गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तब वो क्या करता है अपना एक एनर्जी को इवोल्व करता है, या फिर हम बोलें उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना। ये देखिए गेन, गेन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी रिलीज हो उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपकी ये जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अब जो ये रहती है दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोसेस जो हो सकती है या तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है नेचर में और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब आप सोच रहे हो यार कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का क्या सेंस है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब हम एनर्जी को कराएंगे वहाँ पे, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब हमें वहाँ से एनर्जी मिल रही हो, मतलब कि जब हम उसे इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और यदि हमें एनर्जी खुद लगानी पड़ रही हो तो उसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। बहुत आसान है सारी चीज़ें आप, तो यहाँ पे इसकी ये क्या कहलाती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर क्या लिखा है, आयनाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि जो हमने अभी ऊपर देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे थे तो वो जो होती है हमेशा ही क्या रहती, एंडोथर्मिक रहती, मतलब उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन वो जो है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, उसे हम बोल सकते हैं कि वो एंडोथर्मिक की नेचर रहती है ना। फिर लिखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपकी इज दी नेगेटिव ऑफ द एनर्जी चेंज एकम्पनाइंग इलेक्ट्रॉन गेन। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आपकी वो जो होती है एक नेगेटिव होती है किसके लिए, एनर्जी चेंज होती है उसको एकम्पनाइंग करता है इलेक्ट्रॉन गेन से। मतलब समझ इसको समझो क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जब ये पूरे एक एटम रहता है तो उसमें क्या रहता है इलेक्ट्रॉन रहता है आपका, इस मतलब इस पूरे एटम में क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो उससे हेल्ड रहता है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालने के लिए हमें इसमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन की क्या है इससे एफिनिटी होने के कारण इसमें क्या करना पड़ता है, इसको एनर्जी देना पड़ता है जिससे कि अपना बाहर निकल आता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं जरा हम, और कुछ रह तो नहीं गया आपका पॉइंट, हाँ ये रह गया, जरा इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये। यहाँ पे लिखा है जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं आपके उसमें जो सम ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऊपर का कुछ रह गया, हाँ ये रह गया आपका, इसको पढ़ते हैं हम क्या है भाई, कि ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजिली बिटवीन जो है एलिमेंट्स विथ कंपेरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड एलिमेंट्स विथ जो है कंपेरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या बोल रहा है बिल्कुल ध्यान से सुनो, कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि जो आयनिक बॉन्ड हमारे फॉर्म होंगे वो जो होंगे आपके इजिली फॉर्म हो जाएंगे बिटवीन एलिमेंट के
जिनके पास क्या होगी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और हाई जो है क्या होगी उसके पास, यहाँ पे विथ एलिमेंट आर कंपेरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कि वैसे एलिमेंट जिनके पास हाई जो है क्या होगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, और वैसे एलिमेंट जिनके पास लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उनके बीच में जो आपका क्या होगा आयनिक बॉन्ड बहुत आसानी से बनेगा। अब इसको मैं ऊपर भी लिखा है उससे बताता हूँ क्या इसका मतलब है। जैसे कि Na पॉजिटिव बनने के लिए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, मतलब कि इसको कम से कम एनर्जी लगनी चाहिए इसका पॉजिटिव बनने के लिए, और Cl नेगेटिव जो है आपका उसमें हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, मतलब कि इससे जो निकलने वाली एनर्जी है जब हम क्या कर रहे होंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे होंगे तो वो आपकी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा हमारा जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो अच्छा बनेगा और आसानी से फॉर्म होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते जरा हम, अब लिखा है कि ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हैव अ कैटायंस, उनके पास कैटायन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो जो ड्राइव्ड होता है वो एक मेटालिक एलिमेंट से होता है, मतलब कि हमको जो ज़्यादातर मिलेंगे मतलब जो भी कैटायन मतलब कि जो पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारे ज़्यादातर मेटालिक रहेंगे, और जो भी एनायनिक वाले पार्ट रहेंगे जिनके पास नेगेटिव होगा तो वो हमारे नॉन मेटालिक रहेंगे। मतलब क्या है, जैसे अभी आपने देखा था सोडियम, तो सोडियम क्या है कि मेटल है और जो कि हमारा पॉजिटिव बनाता है, वहीं पे एनायन आपका क्या है Cl नेगेटिव, तो Cl क्या है आपका एक नॉन मेटालिक है। तो इस तरीके से नॉन मेटालिक वाले आपको एनायन मिलेंगे और मेटालिक वाले कैटायन मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत या इसके एक्सेप्शन में एक केस रहता है जो कि आपका एक NH4 है, NH4 पॉजिटिव जो कि आपका बना होता है दो नॉन मेटालिक एलिमेंट से, मतलब कि इसमें मेटल नॉन मेटल ना होके दोनों ही नॉन मेटालिक होते हैं, इसलिए ये आपका एक्सेप्शन है, मैंने इसको हाईलाइट करा दिया है, याद कर लीजिएगा। अब लिखा है कि इट जो फॉर्म होता है आपका, इट फॉर्म द कैटायन ऑफ अ नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे बोल रहा है कि जो इट फॉर्म्स करता है, ये जो है फॉर्म करता है कैटायन को एक नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड में, तो ये समझ गए होंगे क्या है। अब लिखा है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इन द क्रिस्टलाइन स्टेट में अपनी कंसिस्ट करते हैं ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हेल्ड टुगेदर बाय कोलंबिक इंट्रैक्शन एनर्जीज। अब ये मैंने आपको अभी बताया था जो NaCl का एग्जांपल था 3D में लैटिस वगैरह बनता है, तो वो यहाँ पे बोला गया है, और वो जो बनता है वो कोलंबिक इंट्रैक्शन एनर्जी कारण बनता है। कोलंबिक इंट्रैक्शन मतलब क्या है, जो आपकी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स वगैरह लगता है उसे हम कोलंबिक इंट्रैक्शन एनर्जी बोलते हैं, है ना। अब देखिए जरा क्या लिखा है, दीज कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज होते हैं आपके ना डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द आयंस और दियर पैकिंग अरेंजमेंट एंड अदर फैक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं क्रिस्टलाइन कंपाउंड के वो जो रहते हैं डिफर करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके वो डिफर किससे करते हैं, उनके साइज ऑफ आयन से, उनकी पैकिंग अरेंजमेंट से, और कुछ अलग फैक्टर भी हैं, और ज़्यादातर जो है उसके साइज से ही करता है, मतलब कि एनायन कितना बड़ा है कैटायन कितना बड़ा है तो उसके साइज पर डिपेंड करके वो अपना अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जैसे NaCl का आपको दिख रहा है बिल्कुल स्क्वायर एक क्यूबॉइड की तरह है, तो अब अलग जो भी रहेगा उसका अलग रहेगा, ये है इसका मतलब। अब लिखा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका है सोडियम क्लोराइड का NaCl का, जैसे हम रॉक साल्ट बोलते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, इन्होंने यहाँ नीचे दिया है, तो ये आप देख ले अच्छे से। उसके अलावा और पढ़ते हैं हम जरा। अब लिखा है कि इन आयनिक सॉलिड में जो आयनिक सॉलिड्स आपके जो बनते हैं उसमें जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं आपके जिसमें जो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है मे बी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे ये बात कईयों को कंफ्यूज कर देती है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए, मैं अच्छे से बता रहा हूँ क्या है। इन्होंने बोला है कि जो आयनिक सॉलिड होता है, अब आयनिक सॉलिड मतलब ये जो अभी ऊपर आपने देखा जैसे रॉक साल्ट है, तो यहाँ पे जो उसकी सम ऑफ इसकी जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को, मतलब कि सोडियम पॉजिटिव से जो एनर्जी मिल रही है उसको और Cl नेगेटिव बनने में जो एनर्जी मिल रही है या देनी पड़ रही उसका जब हम सम वगैरह करेंगे तो वो जो रहेगा आपका पॉजिटिव आएगा, है ना। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहता है, पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ पे एनर्जी हमको देनी पड़ी, समझ रहे हो। अब लेकिन कोई भी सिस्टम यदि हमको एनर्जी दे रहे हैं मतलब पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे ये समझेंगे यार वो तो अनस्टेबल होगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम यदि हमारा स्टेबल होगा
तो उसकी जो टोटल सम जो रहेगा वो नेगेटिव आना चाहिए। अब उसी बात को भी देखो, आगे बोला इन्होंने कि बट स्टिल जो क्रिस्टल रहता है वो स्ट्रक्चर जो रहता है वो स्टेबलाइज हो जाता है किसके कारण, ड्यू टू एनर्जी रिलीज जो होती है उसकी फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस में। मतलब क्या है कि पॉजिटिव भले ही हो लेकिन वो स्टेबलाइज इस कारण हो जाता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जब वो फॉर्मेशन बना लेता है उस क्रिस्टल की, है ना। तो ये पॉजिटिव आता है तो उससे ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टेबलाइज नहीं होगा। वो स्टेबलाइजेशन किससे प्राप्त करता है, वो उसमें से जो कुछ एनर्जी रहती है वो रिलीज कर देता है किससे, जब वो अपनी फॉर्मेशन करता है क्रिस्टल की। समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। जैसे के लिए अब ये एग्जांपल देख लो, सब क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान के चलिए आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी, Na पॉजिटिव की, जब फॉर्मेशन करता है वो आपका कहाँ से, सोडियम की एक गैस से लेके जब वो पॉजिटिव बनाता है तो उसमें हमको इतनी एनर्जी उसमें देनी पड़ती है तब जाके हमारा एक Na पॉजिटिव बनता है। और इसके ही विपरीत जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब कि जब हम Cl में इलेक्ट्रॉन दे के उसको Cl नेगेटिव बनाते हैं तो इतनी एनर्जी हमें मिलती है। तो अब इस दोनों को आप सम करोगे तो जो हमारा इनका सम आएगा वो आएगा 147 आ गया, ये पॉजिटिव आया। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ तो ये पूरा ओवरऑल आया पॉजिटिव। अब आप बोलोगे कि यार पॉजिटिव आ रहा तो मतलब ये तो हमारा क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अब देखिए जरा क्या है कि ये जो एनर्जी है इज मोर देन कम्पेंसेटेड फॉर बाई दी एंथैल्पी ऑफ द लैटिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो है NaCl -7.88 kJ पर मोल, देयर फॉर द एनर्जी रिलीज जो होगी आपकी इसमें वो प्रोसेस इज मोर देन एनर्जी एब्जॉर्ब। मतलब कि वहाँ पे जो एनर्जी आपको यहाँ दिख रही है, मतलब जो पॉजिटिव में, उससे कहीं ज़्यादा वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा जिसके कारण से वो अपना एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना लेता है। इतनी सी बात थी, कोई इतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं। आगे देखिए जरा, अब बोल रहा है कि दस अ क्वालिटेटिव मेजर जो है आपका ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द प्रोवाइडेड बाई इट एंथैल्पी ऑफ द लैटिस फॉर्मेशन एंड नॉट सिंपली बाई अचीविंग ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयनिक स्पीसीज ना गैसेज स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बोलता है कि किसी भी आपको देखना हो, किसी मतलब जो आपका क्रिस्टल बन रहा है उसमें ये देखना हो वो कितना स्टेबलाइज है, तो आप उसकी क्या देखिए, लैटिस एंथैल्पी क्यों देखिए, ना कि उसमें ये देखिए कि उसने अपना ऑक्टेट किया है कि नहीं किया कंप्लीट। मतलब अभी आपने ऑक्टेट रोल का क्या देखा था, एक आपने क्या देखा था, ड्रॉबैक देखा था। उसमें हमने आपको बताया था कि किसी किसी कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने पर भी क्या कर रहा है, वो अपना एक कंपाउंड बना रहा है, या फिर कोई ऐसे थे जिसकी ऑक्टेट एक्सपांड हो रही है फिर भी कंपाउंड बना रहा है। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पे जो उसकी लैटिस एंथैल्पी को देखी जाती है फॉर्मेशन होने में, वो उसको स्टेबलाइज करती है, ना कि उसके ऑक्टेट वगैरह से, है ना। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है, आगे पढ़ लेते हैं जरा हम। तो बोल रहा है कि सिंस जो लैटिस एंथैल्पी है वो प्ले करती है की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है इसके बारे में थोड़ा और जानें। तो फिर इसके लिए फिर अगला लेक्चर इसके ही ऊपर होगा, तो हम उसमें देखेंगे लैटिस एंथैल्पी को। और बिल्कुल आसान टॉपिक है ये आपका लैटिस एंथैल्पी, इसका आपने लगभग 50% तो पढ़ ही लिया है क्या होती है, बाकी फिर हम जो अगला लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आया होगा, और यदि आ गया है तो प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को और शेयर कर दिया करो बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह से आपको NCERT के क्लाइन पढ़ाने में। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ, जो भी आप ग्रुप वगैरह में या जैसे भी इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो उस पर आप शेयर जरूर कर दिया करो। तो अब इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर अब जो अगला लेक्चर लेंगे उसमें हम लैटिस एंथैल्पी आपको बताएंगे क्या होती है। तो यदि आपने पूरा देखा है तो ऑल द वेरी बेस्ट, और बिल्कुल आप जो है अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। थैंक यू वेरी मच।